वैसे तो आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो यह कहावत कहीं ना कहीं भूल भुलैया पे सटीक बैठती है। भूल भुलैया की दीवारों पर आप धीमी सी आवाज़ में कुछ कहते हैं तो दूर खड़े व्यक्ति को बड़े ही आसानी से सुनाई देती हैं। और यहाँ के छोटे भूलभुलैया की बात की जाए, जिसे हम बावड़ी बोलते हैं, तो उस जमाने में राजाओं के लिए यह सीसीटीवी का काम करता था। दोस्तों, बड़े और छोटे इमामबाड़ा की ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।